रोमन रेंस का WWE में ऐतिहासिक टाइटल रन 1100 दिनों से भी ज्यादा समय से चल रहा है और इस दौरान उन्होंने कई दिग्गजों को मात दी है। कई उभरते हुए सुपरस्टार उन्हें चैलेंज करने का सपना देखते हैं और अब इस लिस्ट में स्ट्रीट प्रॉफिट के मेंबर पूर्व टैग टीम चैंपियन मॉन्टेस फोर्ड का नाम भी जुड़ गया है। बस्टर्ड ओपन पॉडकास्ट पर मॉन्टेस फोर्ड ने रोमन रेंस को चैलेंज करते हुए अपनी इच्छा जताते हुए कहा, मैंने रेसलिंग तब देखने शुरू की थी जब द रॉक और अन्य कुछ सुपरस्टार WWE चैंपियनशिप को अपना टारगेट बनाए हुए थे। मैंने खुद से कहा कि मैं भी रेसलिंग में जाना चाहता हूं। मेरी माँ ने मुझे वाकई में चैंपियनशिप बेल्ट लाकर दी और मेरे पास कई तरह की बेल्ट्स थी। हर बार मैं किसी चैंपियनशिप की तरह उन्हें ऊपर उठाता था, तभी से मेरा लक्ष्य WWE चैंपियन बनने का रहा है और ये टाइटल मेरा टारगेट है। WWE में काम करते हुए आपको जिम्मेदारी संभालनी होती है, आपको टास्क दिए जाते हैं जिन्हें आप पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं और जीवन के साथ भी यही सिद्धांत जुड़ा होता है क्योंकि आप इस बात से वाकिफ होते हो कि आपको क्या करना है, लेकिन उन चीजों को दूर रखना जरूरी है जो आपका मनोबल गिरा रही होती है।